तो ये है अपना ऑर्डर। या फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजा चिकन, ये देखिए वाह मजा। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी भी हम लोग जो है ईटानगर में हैं एंड अभी थोड़ा सा ईटानगर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा जो एमडी है टाइसन टॉक्सो का, उन्होंने मतलब गाड़ी भी मतलब दिया था लेकिन मैंने मना कर दिया, गाड़ी में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा ईटानगर का एक्सपीरियंस लेंगे। हम ऑटो में जाएंगे, टेम्पो में घूमेंगे और जेरी को केएफसी वगैरह खिलाना था वगैरह वगैरह, तो वो भी खिलाएंगे अगर मूवी देखने का। और स्पेशली बहुत लोग सजेस्ट किया था कि गोम्पा में जाने के लिए, तो हम लोग जाएंगे गोम्पा में घूमने के लिए। तो कुछ ऐसा है अपना ईटानगर, वहाँ पे मेन रोड है, वहाँ से हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग गंगा कुछ ऐसा नाम है गंगा में, उसका गंगा से हम लोग जाएंगे सीधा वो गोम्पा टेम्पल की तरफ। तो यहाँ हमें ऑटो मिल चुका है दोस्तों, जाओ जाओ जेरी बे, तो या गंगा तक जाएंगे ऑटो में। वाह ऑटो में ट्रैवलिंग दोस्तों, ईटानगर में ऑटो में ट्रैवलिंग, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस। जेरी कैसा लग रहा है? हो गया, यहाँ पे उतरे हैं हम लोग। हाँ इसमें सीट होगा, इसमें आएगा आते ही मिल गया। हम उतर गए हैं दोस्तों और ये वाली रास्ते में अभी जाएंगे हम लोग गोम्पा, पहले गोम्पा घूमेंगे उसके बाद उधर में है केएफसी, तो जेरी को केएफसी खिलाएंगे। तो काफी लोगों ने रिकमेंड किया था कि ये गोम्पा में घूमना चाहिए, तो अभी हम लोग जाएंगे गोम्पा में घूमेंगे। बिल्कुल सामने है, वहाँ पे गेट दिखाई दे रहा है मुझे, चलो दिख रहा है गेट वहाँ पे। तो ये रहा गोम्पा का गेट दोस्तों, और यहाँ पे आइसक्रीम वाला भैया है, तो यहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए जेरी देख रही है क्या खाओगे कौन सा वाला। तो ये है गेट, अभी अंदर चलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है गोम्पा के बारे में, कोई लोग कहते हैं मंदिर है, कोई लोग कहते हैं घूमने फिरने का जगह पार्क वगैरह, तो जाके देख लेते हैं, एक्सपीरियंस करने पर ही पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली। तो गोम्पा टेम्पल भी कहते हैं, मुझे तो लगता है ऊपर में कोई टेम्पल होगा शायद, काफ़ी ऊँचा है पूरा, ये चढ़ाई करना पड़ेगा ना, बहुत ऊँचा है। हम लोग बिल्कुल टॉप में आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे और भी टॉप में जाएंगे हम लोग लास्ट तक एकदम। और रास्ते देखिए यहाँ पे टर्निंग है, इससे बिल्कुल ऐसे पहाड़ों वाली रास्ते हैं, इससे आए हम लोग, और उधर में शहर ईटानगर शहर, पूरा पहाड़ों के ऊपर है घर। ये है बिल्कुल टॉप में, और उधर में मंदिर है, और अंदर में जाके भी देखेंगे हम लोग मंदिर में क्या 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 चीज़ का, कौन सा भगवान का मंदिर है, हम लोग ज़रूर डिस्कवर करना चाहेंगे। मुझे तो लग रहा है बुद्धिस्ट का है शायद। तो यहाँ जेरी का फोटोस तो खींचा दिया, बहुत ही मस्त फोटोस आए, अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। ओ लामा कैंप की तरफ बुद्धिस्ट, मैंने बोला था ना बुद्ध भगवान का ही वो होता होगा टेम्पल। वाह मज़ा है ना, बहुत ही माइंड रिफ्रेशिंग वाला एरिया है। हमारा मेहनत रंग लाया, इतना पहाड़ चढ़ने का रंग लाया ना, बहुत ही मज़ा है। ये देखिए लोग आए हैं एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एंजॉय नहीं मतलब पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे घुमाने वाला, बिल्कुल लामा कैंप की तरह है। हमारा तेजू वाला लामा कैंप भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक ये स्तूपा है, बहुत ही खूबसूरत सा स्तूपा, और फोटो शोटो खिंचाने के लिए मस्त जगह है यार। और उधर में पहाड़े एकदम मस्त नज़ारा है, देखिए। एक बात तो मानना पड़ेगा, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे भी घुमाना है ना ये वाला को बाद में हमें, यहाँ पे अंदर में मंदिर, बुद्ध भगवान का मंदिर। अंदर में जो हमने भगवान बुद्ध का भी आशीर्वाद ले लिया है, बिल्कुल जो है हमारे तेजू के तरफ में जो लामा कैंप वाली मोनेस्ट्री है ना, मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, बिल्कुल सेम है, मतलब लामा लोगों का बुद्धिज्म में ही आता है, हम लोग भी बुद्धिस्ट ही है, बहुत अच्छा है, शांति वाला माहौल है इधर में। अभी बाहर में थोड़ा सा उधर में जाएंगे ना, ठंडी ठंडी हवाएं, ओके उधर चलते हैं। ईटानगर का व्यू मस्त आ रहा है ना, उधर में भगवान बुद्ध का मूर्ति है।
हाँ बिल्कुल टॉप से ईटानगर शहर का नज़ारा, उधर में चर्च का नज़ारा भी दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा चर्च दिख रहा है मुझे वहाँ। और यहाँ पे जो गोम्पा टेम्पल है एंड यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति, जब वो मतलब क्या कहते हैं मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे ना अपने बुद्ध भगवान बनने से पहले, तो वो वाला फोटो है। तो हम लोग वापस बाहर आ गए हैं दोस्तों, ये रहा गेट, गेट के बाहर। अभी कहाँ जाएंगे बोलो? केएफसी खाएंगे। अभी जेरी को केएफसी खिलाना है, मैंने वादा किया था, तो अभी चलते बिल्कुल ही सामने में केएफसी। चलो तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट गेम, जहाँ पे आप गेम खेल के इजीली अर्न कर सकते हो। आज हम खेलने वाले एविएटर क्रेज गेम ऑन रियली गुड लाइसेंस साइट foraware.com। तो मैंने बहुत पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है और मैं फ्री टाइम में खेलता हूँ। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लेंटीन यूज करते हो तो आपको 230% तक का बोनस मिलेगा। तो इस गेम को खेलने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बेट लगाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2800 का बेट लगाते हैं और प्लेन जितना ऊपर जाएगा हम उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे। और ऊपर दोस्तों, और यस देखिए यहाँ पे देखिए मैंने जीते हैं 7448 रुपए सिर्फ 5 सेकंड में दोस्तों। तो अब दूसरा बेट लगाते हैं हम लोग 8000 रुपए का। और हाँ, और ऊपर और यस दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 सेकंड में मैंने जीते हैं 20880 रुपए। तो मेरे टोटल जीते हुए पैसे होते हैं 28328 रुपए और इन्हें अभी हम विद्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली मैंने, देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और मेरा प्रोमो कोड लेंटीन यूज करके आप लोग खूब पैसे अर्न कीजिए। तो ये है अपना तिनाली, क्या बोलते हैं इसको, बैंक तिनाली ना कुछ ऐसा था, गुम्पा वाला रास्ता है ये। एंड यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह चल रहे और हमें जाना होगा वहाँ पे, उधर केएफसी है तो उधर जाना होगा हमें, पहले इस साइड में जाते हैं ना। हाँ चलो, हाँ यहाँ है अपना केएफसी, यहाँ जाएंगे हम। आओ जरी, तुम्हें खिलाता हूँ, जो वादा किया था वो पूरा करूँगा। अभी आ जा आ जा आ जा, वादा निभाना है ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ बैठे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठ जा। यहाँ से जेरी के लिए क्या, चिकन पेरी पेरी, हाँ लेग पीस वाला। हाँ चलो जेरी, हाँ लेग पीस का चाहिए ना, हाँ लेग पीस का चाहिए बोल रहे हैं। प्राइस कितने का है? 5 पीस का आपका फोर हमें। हाँ वही वाला दे दीजिए ना, 5 पीस वाला दे दीजिए जी। हाँ और ये मेरा फ़ोन नंबर, हाँ ठीक है। तो हमने ऑर्डर दे दिया है जेरी के लिए, जेरी का सपना था एंड चिकन पेरी पेरी इसको आना था लेग पीस वाला, तो वो ऑर्डर दे दिया। एंड मैंने अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाया एंड फ्रेंड्स फ्राइज वगैरह, तो टोटल कितना मतलब कुछ 600 मतलब 650 के आसपास। तो अभी वेट करते हैं, अभी आता ही होगा अपना ऑर्डर। तो ये है अपना ऑर्डर दोस्तों, आ गया। वाह ओ माय गॉड, गिरेगा तो नहीं ना। ऑर्डर आ चुका है, ये रहा चिकन पेरी पेरी जेरी, ये ले लो जेरी। ये सॉस वॉस निकालो, सॉस डालो यहाँ पे, और ये कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, ये कोल्ड ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ। हाँ अभी यहाँ पे सॉस डाल रही है जेरी। जेरी खुश हो, सपना पूरा हुआ केएफसी में आने का सपना। हो गया, हाँ स्टार्ट, चलो टंगरी खा लो। वाह कैसा है, टेस्टी है, ऐसे ही खुश रहो हमेशा। होगा, चलो खिलाओ मुझे भी एक बाइट। बहुत ही मजा है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजा। चिकन ये देखिए, वाह मजा, थोड़ा सा यहाँ से
ये अप्लाई कर लेते हैं सॉस एंड ये कैसा है टेस्टी खा के पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे केवल हड्डियाँ बचे हैं और यहाँ पे आइस क्यूब बचे हैं और जो भी थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बचा था उसे जेरी खा रही है। तो अभी जाएंगे ना हम लोग, चलो बाहर निकलते ही बिल्कुल गर्म गर्मी गर्मी एकदम। वाह कैसा लगा आज, बोलो मजा आया? तो अभी जाएंगे, अभी हम लोग घर जाएंगे ना, अभी कुछ काम नहीं है। बापी दीदी लोग भी आते ही होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे आज? गंगा लेक घूमने जाएंगे, पूरा ईटानगर को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। अभी ऑटो के लिए विवेक नगर तक जाएगा, गंगा गंगा तक कितना लेता है? 30। चलो लेते हैं। हाँ होगा ये में भी तो चलो। अभी हम लोग फिर से जाएंगे नहर लगुन, हमारे इधर में बापी दीदी लोग आए हैं, उधर में जाएंगे आज, वहाँ पे डिनर करेंगे और फिर से वापस आ जाएंगे हम लोग ईटानगर। टाइसन भी आ गया पीछे में। टाइसन भी आया है। ओह आज घूमेंगे यहाँ फैमिली मार्ट में, अंदर में जाके देखते हैं क्या क्या है। मजा मजा। अबे यार यहाँ तो इतने महंगे महंगे है, क्या लोगे यार? अरे लेकिन कम है, 99 पर्स, लेडीज पर्स सच में 599 ऊपर में ऐसे प्रकार में लिखा है 99। चालू है लोग। तो मैं अभी आया हूँ ट्रायल रूम में, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है तो ट्राई करके देख लेते हैं ये वाला। या अब कैसा लग रहा हूँ दोस्तों? मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, कलरिंग भी। आप लोग बताओ ना कैसा लग रहा है, मैं तो ले लूंगा सोच रहा हूँ। अभी बाहर जाके जीरी लोग को दिखाता हूँ, उन्हें पसंद आता है कि नहीं। मजा लग रहा है मुझे। हाँ होगा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ फिर। तो हो गया शॉपिंग, बस केवल मैंने ये लिया, जेरी को कुछ भी पसंद नहीं है, जेरी ने कुछ भी नहीं लिया, भाभी ने एक चम्मच लिया स्पून। अभी चलते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिला है, बहुत ही अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? ओ माय गॉड थैंक यू वेरी मच। आपको ओके थैंक यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बापी दीदी के घर, बिल्कुल रात हो चुकी है, अब पहुंच गए हम लोग बापी दीदी के घर। क्या नाम था? गुड गर्ल चेंगशाना, क्या नाम था? गुड गर्ल गुड गर्ल। कितना मोटा मोटी है ये, गुड गर्ल, कितना क्यूट है। तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों चिकन रोस्टिंग, ये हमारे टाइसन टॉक्सो की तरफ से हमारे लिए ट्रीट है सबके लिए, यहाँ पे सब लोग हैं जितने भी लोग हैं। वाह देखिए दोस्तों इतना मजा से जीजा जी ने एकदम पूरा धो के एकदम अभी रोस्टिंग कर रहे हैं, और नीचे में पोर्क बॉयल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अंदर में किचन में पूरा लड़कियां मतलब काम करने में लगे है, खाना वाना पकाने में, और जेरी यहाँ पे मिर्च की चटनी बना रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है, भाभी जी इसको कैसे पकाना है? जो भी मिलाना है मतलब जी बांध के, अच्छा कुकर में मतलब इसको पत्ते में डालने के बाद कुकर के अंदर डालना है और सीटी बजवाना है दोस्तों, उसके बाद बम्बू में पकाया जैसा, मतलब शहरों में तो बम्बू मिलना मुश्किल है ना, तो उसके लिए यह से पत्ते में जो है वो करके भाभी मतलब समझा रही है। ओ दोस्तों यहाँ देखिए अपना रोस्टेड चिकन कितना मजा से कलरिंग देखो, वाओ। अभी हम लोग का पार्टी शुरू हो रहा है, जूस पार्टी, यहाँ पे जूस वगैरह है एंड यहाँ पे रोस्टेड चिकन है और ये बम्बू है, बम्बू सूट को बॉइल किया हुआ है ना दीदी, और चटनी। और थैंक्स टू एमडी ऑफ द टाइसन टॉक्सो,
रोस्टेड चिकन पार्टी। तो यहाँ पे है अपना जो भी है दोस्तों, ये देखिए रोस्टेड चिकन की चटनी, यहाँ पे बम्बू सूट के साथ ईजीरी ने बनाया चटनी, और अभी भाभी जी एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे टिटी, ये दोस्तों ये है पोर्क, वाओ जेरी खा रही हो पोर्क, कितना मजा ना, बहुत टेस्टी से पकाया है, रोस्टिंग की एक्चुअली, तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इतना जूसी, तो अभी हम लोग जो है डिनर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा लोकल सब्जियों के साथ, ये स्पेशली मैंने रोस्टिंग किया है ये आग में, मेरा बहुत फेवरेट है, और जेरी का ये वाला चटनी, और ये कुकर के अंदर पकाया हुआ स्टीम किया हुआ ये चिकन वगैरह, बहुत ही टेस्टी, और ये जेरी ने पकाया अपना ही लोकल वाला, ओहो भाई गजब गजब, थैंक यू वेरी मच ये सब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग काफ़ी हैवी डिनर कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा खा लिया, और यहाँ पे चिकन तो अभी भी रोस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, जी जाते तो कब से मेहनत कर रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया गर्म में, और थर्ड ट्रिप है ये देखिए दोस्तों, और भी कितना ज़्यादा है। और अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे, हम लोग कितने आदमी आए थे, हम लोग 5-6 आदमी हैं, तो हम लोग जाएंगे अभी ईटानगर। क्या दीदी अभी हम लोग जाएंगे जीजा, बाय बाय सबको, बाय बाय गुड नाइट। पूरा रात के 10 बज गए हैं दोस्तों, और लोग काफी घूम रहे हैं दुर्गा पूजा में, देख सकते हैं पूरा सिंगिंग लगा के, एंड आगे में ट्रैफिक पूरा भाई, लंबा चौड़ा लाइन लगा है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, हमारे जो टैशन टॉक्सो के एमडी है उनके घर में, एंड आज का दिन बहुत अच्छा गया, जेरी को जो है केएफसी लेके गया, वादा किया था। जेरी बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था ना, कुछ भी खाने मन नहीं कर रहा है ना, पूरा पेट भर गया अभी। मेरा भी पूरा पेट फुल हो चुका है, लेकिन बहुत महंगा है ना, बहुत महंगे है केएफसी में, लेकिन महंगे के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग, बाय बाय।